स्क्रीन दिख रहा है आपको हाँ जी सर विजिबल है ओके सो दिस इज़ द क्लास टेन ऑफ एमेचर एस्ट्रोनॉमर लास्ट क्लास में हमने सोलर सिस्टम के जो रिमेनिंग प्लैनेट्स थे हमारे लाइक फ्रॉम जुपिटर टू नेपचून ये कवर किए थे और इस क्लास में हम हमारी जो सोलर सिस्टम है वो कंक्लूड करने जा रहे हैं सो so, लेट uh, स्टार्ट जो हमने देखा था सोलर सिस्टम में आफ्टर नेपच्यून तो आफ्टर नेपच्यून सोलर सिस्टम में क्या है या उसके अलावा क्या क्या है वो आज हम देखेंगे एंड कंक्लूड करेंगे सो वी कॉल इट सपोर्टिंग फैमिली मीन्स वॉट की जो प्लैनेट्स है सन है दिस इज आवर कोर फैमिली और कोर फैमिली मेंबर्स बट अपार्ट फ्रॉम दिस फैमिली मेम्बर्स there are also some other members in solar system which actually have their particular roles. okay तो so, उसमें क्या क्या आता है तो so, पहला जो हैड नेपचून uh, है, एक एस्ट्रॉयड uh, का बहुत सारा एरिया है जैसा मार्स एंड जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है वैसा ही और उससे कई ज्यादा और मच टाइम्स बिगर नेपच्यून के बाद एक एरिया आता है जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स है बहुत सारे कॉमेट्स भी है कॉमेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स है तो वो उसे क्यूपर क्यों या काइपर बेल्ट कहते हैं देन उसके बाद एस्ट्रॉइड्स एक हमारे सोलर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट या मेंबर कह सकते हो उसके बाद आता है कॉमेट्स जो मैंने आपको कहा मेटियोर्स है उसके बाद हम देखेंगे मेट्रिय Roids क्या होती है मेटोराइट क्या होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक हम देखेंगे अभी एंड वी एक्चुअली गोइंग टू फिनिश दिस सोलर सिस्टम टॉपिक और इसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से हमारे सोलर सिस्टम को फैमिलियर हो जाओगे सो लेट्स स्टार्ट विथ काइपर बेल्ट अभी एक्चुअली ये क्या है एंड कहाँ से शुरुआत होती है इसकी तो ये डिस्टेंस फ्रॉम सन जो है ऑलमोस्ट थर्टी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है मीन्स हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू फिफ्टीन करोड़ किलोमीटर्स इफ यू मल्टीप्लाई और इफ यू टेक टाइम्स ऑफ दैट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तो वो उतना दूर ये काइपर बेल्ट है वो एग्जैक्टली exactly उसमें क्या क्या है तो उसमें एस्ट्रॉइड्स है जिसमें कुछ मीटर से लेके कुछ किलोमीटर तक दूरी तक इतने बड़े एस्ट्रॉइड्स उस बेल्ट में है अब ऐसा कहा जाता है कि जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रही थी तो कई एस्ट्रॉइड्स मिल के क्रिएट हुए उसके बीच में कई एस्ट्रॉयड ऐसे भी थे जो प्लानट को फॉर्म नहीं कर पाए एंड कई एरियाज ऐसे थे जहाँ पे सिर्फ एस्ट्रॉयड या फिर जो सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के जो रॉकी एलिमेंट्स थे या दूसरे एलिमेंट्स थे वो थे बट ड्यू सन की जो ग्रेविटी है उसके ऊपर एक्टिव नहीं हो पाई ज्यादा और उसकी वजह से उनके प्लैनेट्स नहीं बन पाए वो अभी भी एज ए रॉकी एलिमेंट्स या आईसी एलिमेंट्स के तौर पर uh, सूरज को सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ओके okay, तो उसमें फिर उसमें कॉमेट्स uh, भी होते हैं देन रॉक्स रॉकी टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं वाटर आइस स्ट्रक्चर भी बहुत बड़े बड़े उसमें होते हैं और जो सोलर सिस्टम बन रहा था और बनते वक्त जो और रिमेनिंग पार्ट उसका बचा आफ्टर क्रिएट फॉर्म द प्लैनेट्स एंड अदर थिंग्स सैटेलाइट्स जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो सारा ये काइपर बेल्ट पे आता है तो ये बेल्ट एक्जैक्टली exactly है कहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा सोलर सिस्टम का एक डायग्राम uh, यहाँ पे मैंने दिखाया है कि दिस इज सेंटर ऑफ मीन सोलर सन है ये और उसके अराउंड जो ये ऑर्बिट्स है ये प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स है आप देख सकते हो कि जहां से नेपच्यून की ऑर्बिट है ऑलमोस्ट वहां से ही काइपर बेल्ट का एरिया शुरुआत होता है ऑलमोस्ट मैंने जैसा आपको कहा कि नेपच्यून की ग्रेविटी कभी कभी काइपर बेल्ट से कुछ एस्ट्रॉयड अपने ऑर्बिट में भी उसे खींच लाती है तो उसके जो मून्स है नेपच्यून के उनकी जो नंबर है वो हमेशा चेंज होता रहता है ओके सो so, नेपच्यून के ऑर्बिट से ही काइपर बेल्ट की शुरुआत होती है और उसके आगे लगभग कई किलोमीटर कई थाउजेंड मिलियन किलोमीटर्स तक वो काइपर बेल्ट फैला हुआ है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है काइपर बेल्ट का कि जब सोलर सिस्टम हमारी फॉर्म हो रही थी एंड प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे थे जैसा मैंने आपको कहा कि जुपिटर का जो लोकेशन था वो काफी डायनामिक लोकेशन था कि पहले वो लगभग जहाँ पे आज हमें विनस एंड अर्थ है उसके दौरान कहा तो भी जुपिटर फॉर्म हो रहा था तो उसकी ग्रेविटी की वजह से काइपर बेल्ट के एरिया से बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स अंदर आए जो अंदर के एलिमेंट्स थे इनर प्लैनेट्स के उनको भी डिस्टेंस डिस्टेंस तक वो जुपिटर का ग्रेविटी खींच लाया तो जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तब इसी काइपर बेल्ट से जो आइसी पार्टिकल वाटर वाटर एस्ट्रॉइड्स थे मीन्स वाटर के बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे आइस फॉर्मेट में वो अंदर सोलर सिस्टम के या प्लानिट्री ऑर्बिट्स के अंदर खींचे गए ड्यू टू तो जुपिटर्स ग्रेविटी एंड सन ग्रेविटी और फिर जो इनर प्लानट्स है जिसे हम टेरेस्टियल प्लैनेट्स भी कहते हैं तो उनके सरफेस के ऊपर या उनके इन्वामेंट में जो वाटर हमें आज मिलता है देखने को वो सभी ये काइपर बेल्ट में जो वाटर फॉर्म हुआ था या वाटर था उस पार्ट से आया है और कई एस्ट्रॉइड्स तो ऐसे ही कि ये काइपर बेल्ट से भी आगे जहाँ से हमारा सोलर सिस्टम ख़त्म होता है एंड स्पेस चालू होता है इंटरस्टेलियर स्पेस चालू होता है वहाँ से अंदर आया था तो ये काइपर बेल्ट बहुत सारा सोर्स है हमारा फॉर वेरियस मेटल्स एलिमेंट्स एंड वाटर ऑल्सो सो ये काइपर बेल्ट का इम्पोर्टेंट है जो आप कॉमेट्स देखते हो वो काइपर बेल्ट से ही आते हैं एंड सूरज के इर्द गिर्द इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ओके सो बेल्ट इज वेरी रिच इन ऑल काइंड ऑफ सो ये एक काइपर बेल्ट है आफ्टर अब हम काइपर बेल्ट के जो एलिमेंट्स है जैसा मैंने आपको कहा यहाँ पे लिस्ट आउट किया है एस्ट्रॉइड है कॉमेट्स है रॉकी एलिमेंट्स है वाटर आइस है एंड अदर रिमेनेंट है सोलर सिस्टम के वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखेंगे तो पहला उसमें आता है कॉमेट आप अभी आ, अगर न्यूज चैनल या कोई एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड न्यूज देखते होगे तो आपको एक आ, कॉमेट जो है लगभग पचास हजार साल बाद आया है आ, अर्थ के नजदीक जहाँ से हम उसको देख सकते हैं तो ये कॉमेट होता क्या है एक्चुअली कोई बता सकता है कोई आइडिया है आपको कॉमेट एस्ट्रोडी इसमें डिफ्रेंशिएट कैसा करोगे आप हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट की ये कॉमेट है ये एस्ट्रॉइड है या ये सेटेलाइट है yes? साइज उसके, right. उसके जो कंटेंट है मीन कंपोजिशंस है वो और उसका जो ऑर्बिट का पात है कॉमेट का क्योंकि एस्ट्रॉयड जो होता है एस्ट्रॉयड लगभग सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है ओके ड्यू टू इट्स शे, शेप एंड साइज क्योंकि उसका शेप कॉमेट से छोटा होता है एस्ट्रॉयड का तो प्लैनेट्स की एंड सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है उसके ऊपर बट कॉमेट का शेप जो है काफी बड़ा होता है एंड उसके जो कॉम्पोजिशन भी होते हैं ना वो मोस्टली उसमें आता है वाटर आइसी आइस फॉर्मेट में एंड उसके बाद जो है वो कुछ केमिकल आते हैं जैसा आप कह सकते हो कि मिथेन गैस है देन अमोनिया गैस अमोनिया इन आइस फॉर्मेट तो इस टाइप के एलिमेंट्स कॉमेट में होते हैं और इस और वो इतना बड़ा होता है कि वो सूरज की तरफ मीन सन की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट होता है एंड जैसा ही वो सन के जितना नज़दीक जाता है उतना ही उसके ऊपर जो एलिमेंट्स रहेंगे ये आईसी एलिमेंट्स वो मेल्ट टाउन होते हैं एंड देन इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग इट्स पाथ तो इसकी वजह से कॉमेट uh, का जो ट्रेजेक्टरी है उसका जो बिहेवियर है वो एस्ट्रॉइड से काफी अलग होता है तो इसका uh, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि uh, एक सिंपल uh, सा एक सेंटेंस में मैंने यहाँ पे दिया है कि कॉमेट्स uh, में जो फ्रोजन लेफ्ट ओवर रहता है फॉर्मेशन के बाद सोलर सिस्टम के उसमें मोस्टली आइस एंड डर्स रॉक्स होते हैं और जब कॉमेट सन की ओर जाता है तो लगभग वहाँ पे क्या होता है कि सन के हीट uh, से कॉमेट के ऊपर के जो ये आइस एलिमेंट्स थे वो मेल्ट होते हैं एंड दे गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस कॉमेट्स पाथ और उसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसको एक टेल शेप आता है ये टेल शेप आप देख रहे हो तो ये जो मेल्टिंग हो रहा है कॉमेट के एलिमेंट्स का तो कॉमेट सीधी दिशा में मीन्स टूवर्ड्स द सन जाता है एंड ड्यू टू इट्स वेलोसिटी एंड डिरेक्शन जो मेल्टेड पार्ट है वो पीछे रह जाता है तो उसमें आइस uh, पार्टिकल्स होते हैं डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और उसके बाद में जाके हम देखने वाले कि उसके मेटेरॉयड्स बनते हैं मेटीरॉय तो वो कैसे बनते हैं क्या होते वो बाद में देखेंगे बट दिस इज द कॉमेट तो ऐसा एस्ट्रॉइड के बारे में नहीं होता एस्ट्रॉयड में मोस्टली एस्ट्रॉइड जो होता है वो रॉकी एलिमेंट होता है रॉकी स्ट्रक्चर होता है means उसका, उसमें आइसी पार्टिकल्स या आइस बहुत कम होता है वाटर आइस तो उसकी वजह से उसको ऐसा शेप या उसको ऐसा बिहेवियर नहीं मिलता जैसा कॉमेट को मिलता है ओके okay? और कॉमेट ये बहुत बड़ा होता है साइज में अगर कोई कॉमेट किसी प्लानट के ऊपर कोलाइड हो जाए तो लगभग उस प्लानट का जितना भी स्ट्रक्चर है इवन दो इट्स ऑर्बिट ऑल्सो इसकी ऑर्बिट जो है सन के अराउंड रिवॉल्व होने की वो भी चेंज हो सकती है तो इतना बड़ा इम्पैक्ट कॉमेट का हो सकता है किसी प्लेनेट के ऊपर अगर वो कोलाइड हुआ है अभी तक सोलर सिस्टम में देखा गया है हमारे कि कोई कॉमेट जो है वो किसी प्लानिट के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं हुआ है जितना हमें पता है मिस पास्ट में कुछ हुआ भी होगा किसी प्लेनेट के ऊपर तो अभी तक तो उसका कुछ डिस्कवरी नहीं हुआ बट जितना हमने ऑब्जर्व किया है जितने कॉमेट्स को देखा है उसके रिजल्ट से तो कॉमेट किसी प्लेनेट के ऊपर अभी तक कोलाइड नहीं हुआ है और इसका जो पाथ होता है वो काफी लंबा होता है मीन्स आप देख सकते हो कि करंटली जो कॉमेट हमें दिख रहा है वो पचास सालों में एक बार पचास हजार सालों में एक दिखाई दे रहा है हैले का जो कॉमेट है वो भी लगभग एटी सिक्स ईयर्स के बाद दिखता है तो इसका जो पाथ है रिवॉल्विंग अराउंड द सन ये काफ़ी लंबा होता है तो इन वन लाइफ टाइम हमें काफ़ी मीन्स अगर आप लकी रहोगे तो तीन चार कॉमेट देखने को मिलेंगे बट एक तो भी देखा तो भी बहुत नो यू गेट लकी सो ये कॉमेट होते हैं अभी कॉमेट के बाद कॉमेट के बारे में किसी को कुछ पूछना है कुछ बताना है कि ज्यादा आपको मीन्स कुछ आइडिया कहाँ से कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला है तो यस yes. एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपने कई कॉमेंट्स के पिक्चर्स देखे होंगे उसमें हर एक कॉमेंट्स का कलर जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखता होगा ऐसा क्यों होता है कोई बताएगा यस yes. कॉमेट्स uh, के कलर जो है ना वो डिफरेंट दिखते होंगे कि अभी ये कॉमेट जो है ये लगभग व्हाइट ब्लूइश में दिख रहा है जो करंटली कॉमेट हमें दिख रहा है आसमान में वो ग्रीन में दिख रहा है ग्रीनिश में है तो ये कलर उसको मिलता है उसके एलिमेंटल कॉम्पोजिशन से किसी कॉमेट में अगर आयन पार्टिकल ज्यादा हो तो आपको वो ग्रीनिश दिखेगा मैग्नीशियम ज्यादा होगा तो ब्लूश दिखेगा ब्लूश नहीं सॉरी येलोइश दिखेगा ब्लूश कब दिखता है जब वाटर पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा हो उसमें और आयन पार्टिकल तो ये दोनों मिलके वो ब्लूश हो जाता है तो इस तरीके से उसको उसका कलर मिल जाता है कॉमेट को और हम आसानी से बाय स्पेक्ट्रोमीटर हम देख सकते हैं कि ये कॉमेट्स में कौन से एलिमेंट्स है किस मात्रा में किस परसेंटेज में है तो कॉमेट के बारे में किसी को कुछ पूछना है और यस शाल वी गो नेक्स्ट एलिमेंट और मेंबर ऑफ आवर सोलर फैमिली ओके सो विल सी द नेक्स्ट मेंबर दैट इज द एस्टेरॉयड अभी एस्टेरॉयड क्या होते हैं तो बेसिकली एस्टेरॉयड फॉर्म होते हैं तीन प्रकार से पहला प्रक, पहला टाइप जो होता है जब सोलर सिस्टम बन रहा था तब ऐसे ऐसे कुछ कुछ पार्टिकल्स रॉकी स्ट्रक्चर रह गए हैं जिसका प्लेनेट या किसी बड़े स्ट्रक्चर में कन्वर्जन नहीं हुआ है एंड दैट स्मॉल स्ट्रक्चर रिवॉल्विंग और वॉन्डरिंग स्टिल इन आवर सोलर सिस्टम ओके तो उसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं अभी ये एस्ट्रॉयड जो है एक कई मीन्स सेंटीमीटर से लेके कई किलोमीटर तक भी बड़े हो सकते ओके तो इनका जो मोस्टली कंपोजिशन होता है वो रॉक मीन्स सिलिकेट सिलिका सिलिकेट टाइप में आता है कुछ एस्ट्रॉयड्स जो है उसमें कुछ मेटल पार्ट्स आपको दिखाई देंगे लाइक आयरन होगा कुछ एस्ट्रॉयड है उसमें गोल्ड भी है डायमंड्स भी दिखाई देंगे मीन्स कॉम्प्रेस्ड कार्बन जिसे हम कहते हैं तो इस टाइप के एस्ट्रॉयड होते हैं बट एस्ट्रॉयड में आईसी वाटर पार्टिकल्स बहुत कम मात्रा में दिखाई देंगे जो जुपिटर एंड मार्स के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसमें रॉकी uh, एस्ट्रॉयड बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वाटर एंड अदर एलिमेंट एस्ट्रॉयड बट जो काइपर बेल्ट है उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉयड है जिसमें uh, आपको अलग अलग एलिमेंट्स के कम्पोजिशन मिलेंगे कई एस्ट्रॉयड जो है वो लगभग कॉमेट के साइज़ के है बट उसमें वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा है ओके सो so, इसको हम एस्ट्रॉयड कह सकते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एस्ट्रॉयड ऐसा दिखता है एस्ट्रॉइड का ऐसा फिक्स शेप नहीं रहता इट इज़ इरेग्युलर इन शेप ओके एंड ड्यू टू सम प्लैनेट्स ग्रेविटेशनल फील्ड एंड सन ग्रेविटेशनल फील्ड वो स्पेस में विंग करते रहते उनके खुद के सर्कुलर ऑर्बिट में एस्ट्रॉयड की ऑर्बिट जो होती है लगभग सर्कुलर होती है पैराबोलिक uh, या हाइपर पैराबोलिक उसकी ऑर्बिट नहीं होती तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व uh, होते रहते हैं ओके okay. अभी एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट किसी प्लानेट के ऊपर बहुत बार हो सकता है मीन्स हुआ भी है अर्थ के ऊपर भी एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ था अदर uh, प्लानट्स भी है जहाँ पे एस्ट्रॉयड का इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज वाई एस्ट्रॉइड जो है साइज में छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू कॉमेट तो वो लगभग uh, किसी भी प्लानट के ग्रेविटेशनल फील्ड के इफेक्ट में आ सकते हैं एंड वंस इट गेट इफेक्ट एफेक्टेड बाय पर्टिकुलर नो प्लानट और दियर ऑर्बिट तो वो वहाँ पर कोलिजन हो सकता है उनका एंड ऐसा हुआ भी है तो ये एस्ट्रॉयड्स के बारे में है अभी एस्ट्रॉइड का स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एस्ट्रॉइड का कोलिजन कोर्स सेट होता है किसी के ऑर्बिट में तो ऑलमोस्ट दैट कोलिजन कॉजेस एक्सटेंशन लेवल इवेंट ओके एक्सटेंशन लेवल इवेंट मीन अगर उस प्लैनेट के ऊपर कोई इकोसिस्टम है तो वो पूरी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो सकती है इस कोलिजन की वजह से खासतौर पर अर्थ के बारे में तो हमें इस के पाथ के ऊपर एक्यूरेटली मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है ओके बिकॉज नाउ वी अ टेक्नोलॉजी अगर हमें कुछ ऐसा एस्ट्रॉयड मिलता है जो अर्थ के साथ कोलाइड हो सकता है फ्यूचर में तो वी कैन टेक ए सेफ्टी मेजर्स नो कि उस एस्ट्रॉयड को डिस्ट्रॉय करे उस एस्ट्रॉइड का पाथ डाइवर्ट कर सके या उससे प्रिकॉशन करने के लिए अर्थ के ऊपर क्या क्या सिस्टम्स uh, लगा सके तो इसीलिए इसे मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है एंड वर्ल्ड वाइड अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने एस्ट्रॉयड के ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए कोई स्पेस टेलीस्कोप्स भी लॉन्च की है कोई ग्राउंड टेलीस्कोप्स के मदद से भी उसे मॉनिटर करता रहता है और वर्ल्ड वाइड जितने एस्ट्रोनॉमिक क्लब्स है मीन एमेचर एस्ट्रोनर्स के तो उनके साथ भी टाइप करके स्पेस एजेंसीज एस्ट्रॉयड का डेटा कलेक्ट करती रहती है ताकि उनके ऊपर वॉच रखा जाए उनके ऊपर उनकी डेटा उनका पैटर्न ये पूरा हमारे पास हो ताकि अगर कोई एस्ट्रॉयड एक्सटेंशन लेवल इवेंट को मींस हो सकता है तो हम उसे प्रिवेंट कर सकें तो ये एस्ट्रॉयड के बारे में है तो एस्ट्रॉयड के बारे में किसी को कुछ कहना है या कुछ और जानकारी चाहिए एस्ट्रॉयड के बारे में एक मेजरमेंट लिए जाते हैं मैंने आगे बताऊंगा उसे ऑकोल्टेशन कहते हैं एस्ट्रॉयड ऑकोल्टेशन एस्ट्रॉयड ऑकोल्टेशन क्या होता है कि एस्ट्रॉइड की वजह से उसके बैकग्राउंड में अगर कोई स्टार है ब्राइट स्टार समथिंग जिसका मैग्नेट्यूड जो है लगभग आठ से सात ज्यादा है मीन स्केल के ऊपर तो वो ब्राइट स्टार अगर उसकी वजह से पूरी तरह से कवर हो रहा है एस्ट्रॉइड की वजह से तो उसे ऑकल्टेशन कहते हैं एस्ट्रॉयड ऑकोल्टेशन और इस एस्ट्रॉइड ऑकोल्टेशन के मेजरमेंट्स लिए जाते हैं मीन्स वॉट कि ये ऑकोल्टेशन जब एस्ट्रॉइड उस पर्टिकुलर स्टार के सामने आया तो उसका टाइम नोट डाउन किया जाता है एंड देन उसके आ, सामने से अगर गया वो तो फिर वो कब गया मीन्स कितना टाइम लगा ये टाइम ये दोनों टाइम के मेजरमेंट से हम उस एस्ट्रॉयड का शेप बना सकते हैं मीन्स तो ये ऑकोल्टेशन्स के रीडिंग्स पूरे वर्ल्ड वाइड इनवाइट किए जाते हैं एस्ट, एस्टर्ड ऑकोल्टे ऑर्गेनाइजेशन से मींस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आज एक वेबसाइट की लिंक भी शेयर की है ग्रुप में वहां पे जितने भी एस्टर्ड ऑकोल्टेशन होने वाले हैं किस कंट्री से कहाँ से दिखने वाले है वो सब मेंशन होता है तो एज ए एमेचर एस्ट्रोनॉमर आप भी वो एस्टर्ड ऑकोल्टेसन के रीडिंग्स ले सकते हो उसके लिए आपको कुछ ऐसे हाईटेक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है आपको नॉर्मल बायनाक्यूलर या एंट्री लेवल टेलीस्कोप होगा तो भी चलेगा आपको सिर्फ क्या करना है किसी रिमोट एरिया में जहाँ पे थोड़ा सा क्लियर स्काई हो वहाँ पे जाना होता है उस पर्टिकुलर स्टार का जिसके ऊपर ये ऑकल्टेसन होने वाला है उसको पॉइंट आउट करना होता है मीन सेट करना होता है एंड जब ये ऑकल्टेसन शुरू होगा आप उसे पॉइंट करो करो और उसका स्टार्टिंग टाइम एंड एंड टाइम ये दोनों नोट डाउन करो और ये डेटा आप बाकी का इंफॉर्मेशन फिलअप करके इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड ऑकोल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनको सेंड कर सकते हो तो दे कैन यूज दिस डेटा टू नो टेक ए मेक ए शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड तो ये एक इस तरह के एक्टिविटी चलता रहता है एस्ट्रॉइड के बारे में अलग अलग स्पेस टेलीस्कोप से ग्राउंड टेलीस्कोप से ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं एस्ट्रॉयड के पाथ के ऊपर और उसके ऑर्बिट के ऊपर तो ये एक एस्ट्रॉइड है एस्ट्रॉइड के बाद जो आता है वो है मेटरोग। अभी मेटरोग क्या होता है? Actually, जो है एक्चुअली जो ये भी मेटर के जैसे ही है बट इट इज वेरी स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू एस्ट्रॉयड लगभग इनका जो साइज है कुछ सेंटीमीटर या एम mm से लेके कुछ मीटर तक होता है मेटेराइड्स का ओके okay? और ये लगभग किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होते जैसा कॉमेट्स या एस्ट्रॉयड जो है ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं इसलिए हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं बट मेट्रॉइड्स जो है ये किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होते जनरली कोई कॉमेट जो है किसी पर्टिकुलर पाथ से जाता है तो मैंने जैसे कहा कि ड्यू टू सन हीट और टेम्परेचर कॉमेट के ऊपर जो भी एलिमेंट्स uh, है आईसी एलिमेंट वो मेल्ट होते हैं और वो पीछे डस्ट एंड कुछ पार्टिकल्स छोड़ता रहता है तो दैट पार्टिकल आल्सो गेट कन मीन्स फॉर्म मेट्रॉइड ओके उनके भी मेट्रॉइड बन सकते हैं या बनते हैं क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ एमएम mm से लेके या एम mm से भी कम साइज से लेके कुछ सेंटीमीटर के साइज तक के होते हैं ओके okay? तो वो मेट्रॉइड्स होते हैं तो एक बात आप ध्यान में रखो कि मेट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड से काफी छोटे होते हैं और उनका एक पर्टिकुलर ऐसा कुछ पाथ नहीं होता सर रिवॉल्व uh, करने का जैसा ही जनरली uh, मेट्रॉइड्स जो है ये कंप्लीटली स्टेबल रहते हैं या एक जगह पे रहते हैं जब कोई प्लानेट या जब दूसरा कोई एस्ट्रॉयड उसके पास से जाता है तो ड्यू टू दिट्स ग्रेविटी वो थोड़ा सा अपना पाथ चेंज कर लेते हैं तो ये मेट्रॉइड्स होते हैं इनके जो कॉम्पोजिशंस है ये भी अलग अलग होते हैं हर मेट्रॉइड आपको रॉकी मिलेगा ऐसा नहीं कुछ मेट्रॉइड्स जो है आईसी भी होते हैं कुछ पूरी तरीके से रॉकी होते हैं या कुछ कुछ अलग एलिमेंट्स के भी होते हैं ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द मेट्रॉइड और इनके जो शेप्स है ये भी इरेगुलर है ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर शेप्स में आपको दिखेंगे इनके शेप्स भी इरेगुलर होते हैं देन कोई मेट्रॉइड अगर किसी पर्टिकुलर प्लानट के पास से जाता है एंड इट एंटर्स इन टू द इट्स एटमोस्फियर और इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड तो उसे मेटीर कर कहते हैं ख़ासतौर पर अर्थ के बारे में अर्थ के एटमोसफियर में अगर कोई मेट्रॉयड एंटर होता है और ड्यू टू तो इट्स सुपर फास्ट स्पीड एंड एटमोसफेरिक फ्रिक्शन वो बर्निंग होना शुरू होता है उसका जनरली हम उसे क्या कहते हैं शूटिंग स्टार मीन्स टूटता तारा जो कहते हैं नाम तो वो एक्चुअली मेटेरॉयड होता है जो अर्थ के एटमोसफियर में एंटर होता है एंड ड्यू टू द एटमोस्फेरिक फ्रिक्शन वो बर्निंग होना शुरू होता है एंड हमें ऐसा दिखता है कि कुछ ऐसा लाइट जैसा पार्टी एलिमेंट या आ, कुछ मैटर आया है एटमोसफियर से तो वो मेटियो मेटियोर होता है एस्ट मेटियो मेटेरॉयड जब अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर होते तो उसे मेटियोर्स कहते हैं ओके जनरली होता क्या है कि ये मेटरॉयड्स हाई स्पीड से रिवॉल्व होते ट्रैवलिंग uh, करते रहते हैं एंड अर्थ जो है उसको भी उसका स्पीड है तो जब ये दोनों स्पीड एक साथ आते हैं तो जो मेटियो मेटर एंटर होता है मीन्स पर्टिकुलर जो एक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है आप अगर कुछ मेटियो शॉवर्स देखोगे तो आपको इतना फास्ट वो एंटर होते और बर्निंग होते देखेगा कि आपको वो टाइम या उसको काउंट करना भी मुश्किल जाएगा ओके बिकॉज द बोथ ऑब्जेक्ट हैव मच वेलोसिटी एंड व्हेन इट्स नो मर्जिंग अदर तो उसकी जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी मींस रिजल्टेंट वेलोसिटी जिसे कहते हैं वो काफी बढ़ती है ओके okay? तो इसे हम मेटियोर्स कहते हैं मेटियोर्स स्काई के अलग अलग सेक्टर में uh, बहुत ज्यादा पाई जाती है जब अर्थ पर्टिकुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करता है एक एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट तो मान लीजिए कि पहले कहा तो भी कॉमेट उस ऑर्बिट से गया होगा तो कॉमेट्स के मेल्टिंग प्रोसेस से जो रिमेन रिमेनिंग मैटर बचता है जब अर्थ उसके नजदीक से जाती है तो वो सेम पार्टिकल्स अर्थ के एटमोसफेयर में आते हैं तो हम उसे कहते हैं उस एरिया से मेटिओशॉवर होने वाला है लाइक like, उसके बैकग्राउंड में अगर लियो लियो कॉन्स्टिलेशन है या दूसरी कौन सी कॉन्स्टिलेशन है तो हम ऐसे कहते हैं कि लियो कॉन्स्टिलेशन से शॉवर होने वाला है तो ऐसे कई सारे शॉवर्स है जिससे हम देख सकते हैं कि काफी मेटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो दिस इज द मेटिर्स अभी ये मेटिर्स का इंपॉर्टेंट क्या है तो so, मेटीअर्स का इम्पोर्टेंट ऐसा है कि हम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से शॉवर हो रहा है तो पास्ट में उस एरिया से कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होंगी ये डिटेक्ट कर सकते हैं लाइक like, वहाँ से कॉमेट गया होगा वहाँ से एस्ट्रॉयड भी होगा डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो इस टाइप के डेटाबेस हमें कलेक्ट करने के लिए मदद होती है इस शॉवर्स की ओके okay? और उसके बाद देखते हैं कि जब कौन सा मेट्योर अर्थ के सरफेस तक आता है मीन्स एटमोसफियर में ही वो बर्न नहीं होता तो नीचे आके अर्थ के सरफेस के ऊपर कोलाइड होता है तो उसे मेट्योराइट कहते हैं ओके okay, आपने बहुत जगह पे सुना होगा मेटेरॉयड मिला है मेटेरॉयड की वजह से छोटा सा क्रेटर बना है तो दिस इज ऑल मेटेरॉयड अगर कोई मेटर अर्थ के सरफेस तक आता है तो उसे मेटियोराइट कहते हैं लेमेन लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि कौन सा मेटेरायड इतना बड़ा है कि वो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन को भी सस्टेन करके अर्थ के सरफेस के ऊपर लैंड हुआ है तो हम इस तरह के मेटेरायड्स को मेटेराइड्स को लैब में जाके टेस्ट कर सकते हैं कि उसका कॉम्बिनेशन क्या था बिकॉज वाई ये जो मेटेराइड्स है ये जैसा मैंने आपको कहा कि ये कॉमेट्स के में मोस्टली पार्टिकल्स होते हैं और कॉमेट जो है ये कब फॉर्म हुए थे जब सोलर सिस्टम हमारा फॉर्म हुआ था तो वी कैन एक्चुअली सिंथेसाइज दैट कि जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तब कौन सा कौन सा मैटर इस सोलर सिस्टम में था अगर हम किसी मेटेराइड्स को ऑब्ज सिंथेसाइज कर सके तो ओके तो दैट्स वाई द मेटेरॉयड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अभी एक इंडिया में ऐसा लॉ है कि आपको कहा भी अगर मेटेरॉयड मिलता है गिरा हुआ आपने ऑब्जर्वेशन लिया आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक मेटेरॉयड गिरा है आपने दो दिन तीन दिन वहां पे ढूंढा और आपको मेटेरॉयड मिला तो वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होती है वो आपको खुद नहीं रख सकते आप वो अगर आपने खुद में रख खुद के पास रखा तो दैट कंसिडर एज अ क्राइम ओके और ये जो लॉ है ये ब्रिटिश के जमाने से अप्लाई किया गया है अभी तक वो कंटिन्यू जा रहा है तो आपको अगर कहा भी मेट्रोइड मिलता है तो आपको वो कोलकाता के एक डिप, आपको पहले तो वो लोकल पुलिस स्टेशन में सबमिट करना होता है एक फॉर्म भर के फिर वो लोकल पुलिस स्टेशन वाले जो पर्सनस है वो कोलकाता का एक ऑफिस है ये मेट्रोइड स्टडी का वहां पे उसको सेंड uh, करते हैं फिर वो जो है उसके स्टडी करके उसको रिकॉर्ड में रखते हैं उनके नाम पर मीन्स आपने अगर ढूंढा है तो उसको आपका नाम या आपके नाम से रजिस्टर नहीं होगा उनके नाम से रजिस्टर होगा और बाद में फिर वो उसके ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश करते हैं उनके नाम पर तो ये लॉ चलता आ रहा है आगे जाके होप सो so, इसमें अगर कुछ चेंज हुआ तो अच्छा होगा बट करंटली दिस इज़ द प्रोसेस आपको अगर कहाँ पे मेटेरॉयड मिलता है तो आपको ऐसा ये सबमिट करना पड़ता है ओके तो हमने देखा कि एस्ट्रॉयड देखा कॉमेट देखा मेटियोर्स देखा सॉरी मेटेरायड देखा पहले जब मेटेराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होता है तो उसे मेटियोर्स कहते हैं एंड जब वो अर्थ के सरफेस तक आता है तो उसे मेटेराइड कहते हैं ठीक है थीके? इतना क्लियर है सबको अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे इसके बाद क्या होता है और ये जितने मैंने आपको इल... आ, मेंबर्स यहाँ पे दिखाए हैं मीन्स कॉमेट से लेके मेट्रॉइड तक ये सारे मेंबर्स अर्थ के ऊपर भी कई बार आ चुके हैं कॉमेट्स को छोड़ के और उनकी वजह से एक इकोसिस्टम एक डिस्ट्रॉय भी हुआ है और इकोसिस्टम फॉर्म भी हुआ है अर्थ के ऊपर जैसा मैंने कहा कि लगभग एक मेट्रॉयड है जो इम्पैक्ट हुआ था कैलिफोर्निया में सिक्सटी uh, सिक्स करोड़ ईयर्स बैक सिक्सटी uh, सिक्स है कि नहीं मुझे डाउट है बट समथिंग राउंड अबाउट दैट तो वो वन एटी किलोमीटर का क्रेटर बना है पूरा डायमीटर में वन एटी किलोमीटर का और दैट क्रेटर और दैट इम्पैक्ट इज कॉज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ डाइनासोर्स जो डायनासोर का एक्सटेंशन हुआ था अर्थ के अर्थ के तो उसको ये वजह थी कि ये जो पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड तो नहीं कह सकते मेटियोर था बड़ा था बहुत और उसका जो इम्पैक्ट हुआ था उसकी वजह से एक एक्सटेंशन लेवल का बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें डायनासॉर्स पूरी तरह से पूरी तरह से मीन्स उसके बाद में कुछ सालों तक कुछ हज़ार सालों तक पूरी तरह से वो एक्सटेंट हो गए थे अर्थ के सरफेस के ऊपर तो ऐसे ही कई तरीके के आ, क्रेटर्स आपको अर्थ के सरफेस के ऊपर देखने को मिलेंगे कुछ रिसेंट हैं कुछ कई मिलियन सालों से पहले के हैं तो इंडिया में भी ऐसे दो क्रेटर्स हैं एक महाराष्ट्र में है लोनार में बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के पास और दूसरा राजस्थान में है रामगढ़ के पास तो ऐसे दो बड़े क्रेटर्स है जो महाराष्ट्र में है वो लगभग पचास हजार सालों पहले बना हुआ है और जो रामगढ़ में है राजस्थान में वो उससे भी पुराना है आई थिंक एक लाख डेढ़ लाख साल पहले का है तो इस तरह की क्रेटर्स है और आज भी कई मेट्रोइड्स जो है अर्थ के सरफेस तक आते हैं रिसेंटली न्यूज भी थी आई थिंक महाराष्ट्र में ही थी शायद एक मेट्रॉयड गिरा है और छोटे छोटे पार्टिकल्स भी गिरते हैं ऐसे जैसे बारिश की बूंदे जैसी होती है ना उस तरह का साउंड आता है मिस अगर कुछ पर्टिकुलर एरिया से अर्थ ट्रेवल करती है तो तो दिस ऑल अबाउट द दटरॉय अभी उसके बाद हम देखेंगे द ऑर्ट क्लाउड अभी ये ऑर्ट क्लाउड क्या है मैंने जैसे कहा आपको कि नेपच्यून के बाद काइपर बेल्ट आता है काइपर बेल्ट है ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे एस्ट्रॉयड कॉमेट्स है देन मेटियोर्स है ऐसा बहुत बड़ा एरिया है बट उसके बाद भी एक ऐसा एरिया है जहाँ तक सूरज की रोशनी भी ज्यादा तौर पर जा जाती नहीं है एंड दैट एरिया वी कॉल्ड द ओर्ट क्लाउड इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे सन है सन के बाद जो हमारा प्लेनेट्री सिस्टम है नेपच्यून तक ये हमने देखा फिर उसके बाद नेपच्यून से लेके जो आगे यहाँ तक जो है लगभग ये दिख रहा है आपको ये पूरा काइपर बेल्ट का पार्ट है काइपर बेल्ट के बाद कुछ आ, मिलियन किलोमीटर्स के बाद ये जो पार्ट आता है इसे ओर्ट क्लाउड कहते हैं ओर्ट क्लाउड ये पूरा जो है इंटेस्टेलियर मीडियम है आपको पता है इंटरस्टेलर मीडियम मीन्स क्या जहाँ पे सब गैशियस होता है हेलियम हाइड्रोजन एंड अदर गैसेस ऑल्सो तो जब हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था तब जो गैसेस थे बहुत दूर दूर के एरिया में तो उस एरिया को मिला के ये और क्लाउड बनता है अभी इस एरिया में बहुत सारे गैसेस आपको मिलेंगे कई बड़े एस्ट्रॉयड टाइप स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे और इस एरिया को अभी तक ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया बिकॉज वाय कि यहाँ पे जितने गैसेस है उस गैसेस के अंदर जाके मीन्स उस गैसेस के अंदर देखना लगभग नामुमकिन है और हमारा कौन सा स्पेस इतने दूर तक अभी गया भी नहीं है लगभग हमारा जो स्पेस क्राफ्ट है काइपर बेल्ट को क्रॉस करके जो वॉइजर टू स्पेस क्राफ्ट है वो काइपर बेल्ट को उसने क्रॉस करके गया है बट नाउ इट्स सिग्नल गेटिंग डिस्टर्पटेड अभी जो सिग्नल्स उसके आ रहे हैं वो काफ़ी डिस्टर्पटेड सिग्नल्स है और ऐसा माना जाता है जब तक वो ओट क्लाउड में जाएगा तब तक वो सिग्नल्स बहुत ही वीक होंगे जो हमें उसके ऊपर काम करना लगभग नामुमकिन होगा तो हमने बहुत दूर दूर की गैलेक्सीज फाइंड की है दूर दूर के ब्लैक होल्स फाइंड की है बट ओट क्लाउड को अभी तक हम ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज अगेन ये जो क्लाउड है या और क्लाउड का एरिया है ये पूरा गैस का एरिया है गैस और उस गैस के अंदर क्या चल रहा है क्या एक्टिविटीज हो रही है ये फाइंड करने के लिए एक तो आपको स्पेस क्राफ्ट वहां तक छोड़ना पड़ेगा या फिर उस ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी कि वो हर टाइप के गैस के अंदर क्या चल रहा है वो जान सके जैसा मैंने आपको कहा कि जुपिटर जो है जुपिटर का सरफेस पूरा गैशियस है तो उसके अंदर का जो उसका पार्ट है जिसे हम हार्ड सरफेस कोर कहेंगे वो अभी तक हमें ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए बिकॉज वाई कि गैसेस के अंदर देख पाने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत अलग तरीके की लगती है हमारी जो इंफ्रा रेड टेलीस्कोप्स है एक्सरे टेलीस्कोप्स है या फिर गामा रेड टेलीस्कोप्स भी है वो इस गैसेस के अंदर नहीं जा सकती कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज तक इसीलिए इस ओट क्लाउड को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया इन फ्यूचर अगर कुछ हम ऐसा स्पेस बना लेते हैं कि वो इतने दूर ट्रैवल हो सके और वहाँ तक वहाँ से अच्छी तरीके से सिग्नल हमें दे सके तो हम इस ओट क्लाउड को एक्सप्लोर कर सकते हैं अभी इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ऐसी है कि जो स्टडी कर किया जाता है एस्ट्रॉयड्स का कॉमेट्स का तो उसमें देखा गया है कि जनरली जो उसकी ऑर्बिट है ये इलिप्टिकल है बट वो जो इलिप्टिकल का सेकेंड फोकस पॉइंट होता है दो फोकस पॉइंट होते हैं इलिप, इलिप्स को तो सेकेंड फोकस पॉइंट जो है ये एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में ही ज्यादा दिख रहा है हम तो ऐसा माना जाता है कि नाइन्थ प्लैनेट जो है वो यहाँ पे हो सकता है नेपच्यून के बाद जो काइपर बेल्ट है काइपर बेल्ट एंड ये जो एरिया है जहाँ से ओल्ड क्लाउड शुरू होता है उसके बीच में कहा तो भी नाइन्थ प्लानट हो सकता है अभी तक उसका कुछ मीन्स uh, ऐसा प्रूफ नहीं मिला है तो इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट एंड नो इंजीनियर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं नाइन्थ प्लानट को फाइंड आउट करने के लिए जब हम उस टाइप की टेक्नोलॉजी बना सकेंगे कि इतने दूर तक कुछ स्पेसक्राफ्ट जाता है तो डेफिनेटली विल एक्सप्लोर दर्ट क्लाउड ऑल्सो एंड विल फाइंड दैट नाइन्थ प्लानट ऑल्सो तो ये ओट क्लाउड के बारे में है अब थोड़ा सा आगे हम और इसमें डिटेल देखने वाले थे लेकिन अभी तक जितना हुआ है इसमें आपको कुछ क्वेश्चन है कि ये पार्ट थोड़ा समझ में नहीं आया इसको एक्सप्लेन कीजिए या आपके कुछ इनपुट्स है उसमें यस yes? ओके okay. ठीक है तो अभी तक हमने जैसा सोलर सिस्टम को स्टार्ट किया था स्टडी करने के लिए कि हाउ सोलर सिस्टम फॉर्म सन कैसे फॉर्म हुआ उसके बाद हर एक प्लेनेट जो है उसको हमने स्टडी किया मर्क्योरी से लेके नेपचून तक और उसके बाद आज हमने एस्ट्रॉइड्स कॉमेट्स मेटियोर्स एंड देन फाइनली एक ऐसा एरिया हमारे सोलर सिस्टम का जो अनएक्सप्लोर्ड है कि हमें उसे एक्सप्लोर करना है ये देखा ओके तो अभी सोलर सिस्टम का स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि हमारा अर्थ जो है ये गोल्डी लॉक जोन में है ओके एंड एज ए पॉपुलेशन जो हमारी बढ़ रही है अर्थ के ऊपर तो इन फ्यूचर अर्थ के रिसोर्सेस सफिशिएंट नहीं होने वाले इस पॉपुलेशन को सरवाइव करने के लिए तो इसीलिए हमें पूरे सोलर सिस्टम के अलग अलग प्लान अलग अलग मेंबर्स जो है उनका हमें स्टडी करना ज़रूरी है ताकि भविष्य में एक तो ऐसी टेक्नोलॉजी हम बना सके कि हम उन प्लैनेट्स उन एस्ट्रॉयड के ऊपर के जो रिसोर्सेस है उनका यूज़ कर सके प्लस कौन से रिसोर्सेस किस प्लैनेट के या किस आ, मेंबर के ऊपर है एस्ट्रॉइड्स के ऊपर है वो फाइंड आउट करना भी ज़रूरी है एज अ सर्वाइवल क्वेश्चन देन सेकेंड मैंने बताया कि ये जो मेंबर्स है एस्ट्रॉयड कॉमेट्स या अलग और भी तो इनकी वजह से काफी सारे खतरे जो है अर्थ को हो सकते हैं कि कोई कोलिजन हो सकता है या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो खतरे में आए तो उन सबको ऑब्जर्व करना भी इम्पोर्टेंट है इसीलिए सोलर सिस्टम का स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है ओके okay? तो ऐसे कई सारे रीजंस है जिसकी वजह से हम सोलर सिस्टम को कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं प्लानेटरी स्टडी होता है प्लेनिट्री साइंटिस्ट भी होते हैं तो ये कंप्लीट स्टडी चलता रहता है ओके तो इसके ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन है सोलर सिस्टम के ऊपर अभी पूरी जो हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल अभी तक आपको समझ में आया पूरा रितिका अर्नव यस यस सर, सर, ओके, सो नाउ इट इज लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग पैरलि जैसा कि हम मार्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों में मार्स के ऊपर ह्यूमन मिशन भी लॉन्च करने वाले हैं, पैरलली मून को भी बहुत सारा एक्सप्लोर करने वाले हैं ह्यूमन मिशंस मून के ऊपर जाने वाले है साथ ही साथ नासा एंड ऐसे बड़े स्पेस एजेंसी का प्लान है कि जो आफ्टर सैटन जो है सैटन और जुपिटर उनके कुछ मून जो हमने देखे उनको एक्सप्लोर करना है ज़्यादा तो इस तरीके के आने वाले दिनों में बहुत बड़े मिशनस होने वाले हैं तो इफ़ यू आर नो कि एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स या टेक्नोलॉजी में आप कुछ करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी ए पार्ट ऑफ़ दिस काइंड ऑफ रिसर्च तो अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं जैसा मैंने आपको कहा कि ये क्रैश कोर्स जो है इसके बाद आप एक एम एचर एस्ट्रोनॉमर बनने वाले हो बट ऐसे ही नहीं बन सकते एम एचर यू नीड टू डेवलप सम डिसिप्लिन यू नीड टू डेवलप सम इंटरेस्ट आपका जो इंटरेस्ट है एस्ट्रोनॉमी में उसको भी आपको डेवलप करना है नरिश करना है तो उसके लिए uh, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए हैं मैं जस्ट यहाँ पे आपको उसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ आफ्टर दैट मैं आपको एक एक प्रोजेक्ट असाइन करने वाला हूँ और वो आपको कंप्लीट करके देना है ओके okay. तो पहला प्रोजेक्ट जो है ये सेलेस्टियल इवेंट्स का प्रोजेक्ट है आ, सोलर सिस्टम के रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं सेलेस्टियल तो उनको आपको स्टडी करना है और उनका एक प्रोजेक्ट बनाना है जैसा कि इक्लिप्स अभी इक्लिप्स जो है सोलर इक्लिप्स होता है लोनार इक्लिप्स होता है तो इक्लिप्स क्यों होते हैं उनके टाइप्स कौनते कौन से कौन से होते हैं उनके इक्लिप्स के इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है एंड आने वाले कुछ सालों में कौन से इकलिप्स इम्पोर्टेंट है ऐसा इस टॉपिक में आएगा उसके बाद जो मैंने आपको कहा कि ट्रांजिट एक होता है ट्रांजिट मीन्स क्या कि किसी बड़े स्टार के सामने से या लाइट सोर्स के सामने से छोटा सा कोई एलिमेंट है या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ये अगर ट्रांजिट होता है या ट्रैवल करता है तो उसकी वजह से छोटा सा पार्ट जो है लाइट का वो ब्लॉक किया जाता है तो ऐसे ट्रांज़िट हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं मर्क्यूरी एंड विनस ट्रांजिट बेसिकली सन के रिलेटेड आप देखोगे तो तो इसके भी आपको डिटेल लेना है कि ये ट्रांजिट कब हुआ था फिर उसका इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांजिट्स को स्टडी करने का नॉट ओनली आवर सोलर सिस्टम बाहर के सोलर सिस्ट, स्टार सिस्टम में भी ट्रांजिट होते हैं तो उसका यूज करके हम मैंने जैसे कहा कि एग्जो भी फाइंड आउट कर सकते हैं तो ये इसमें आएगा ऑकोल्टेशन मैंने आपको बताया कि एस्ट्रॉइड ऑकोल्टेशन होता है मून का भी ऑकोल्टेशन होता है तो ये ऑकोल्टेशन क्या है इसका स्टडी कैसे किया जाता है एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड देन शॉवर्स कि कौन से कौन से शॉवर्स इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट ईयर्स तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट में इसको मेंशन करना है तो ये पूरा इसका प्रोजेक्ट बनेगा जो आपको सबमिट करना है देन हम प्रोजेक्ट टू देखेंगे प्लानेट्री मिशंस की फ्रॉम मर्क्यूरी टू नेपच्यून और हमने एज ए ह्यूमन हमने बहुत सारे मिशन लॉन्च किए हैं तो आपको हर प्लानेट के रिगार्डिंग या प्लानट के रेफरेंस से कौन से कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं वो उस प्रोजेक्ट में मेंशन करना है Uh, जैसा कि मार्क्स को एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी मिशंस लॉन्च किए गए थे क्यूरोसिटी uh, था परसिवरेंस था और भी बहुत सारे मिशंस थे मर्क्यूरी uh, को एक्सप्लोर करने के लिए भी थे तो इस मिशंस को आपको मेंशन करना है और उस मिशन में क्या क्या मिला मींस व्हाट इज़ द डिस्कवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिशन वो भी मेंशन करना है तो इसका भी एक प्रोजेक्ट होगा थर्ड प्रोजेक्ट इज ग्राउंड एंड स्पेस टेलीस्कोप की अर्थ के ऊपर जितने ग्राउंड टेलीस्कोप्स है ग्राउंड के ऊपर बड़े बड़े जो कंसिडर करिए जाते हैं बिग टेलीस्कोप वो और स्पेस टेलीस्कोप इनकी आपको नेम स्पेसिफिकेशन एंड ऑर्डर डिटेल्स देनी है जैसा कि वो टेलीस्कोप कब बना उसे कब लॉन्च किया गया ये वो और उस पर्टिकुलर टेलीस्कोप ने क्या फाइंड आउट किया ये भी इंपॉर्टेंट है जैसा हबल है तो हबल के पूरे लाइफ स्पैन में उसने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की है हबल टेलीस्कोप ने तो उसमें इस प्रोजेक्ट में वो मेंशन होगा एंड द लास्ट फोर्थ प्रोजेक्ट इज इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पेस एजेंसीज जो इंटरनेशनल एंड नेशनल स्पेस एजेंसीज है लाइक आवर इसरो नासा ईसा देन रशिया की है चाइना की है तो इन सब की आपको नेम्स यहाँ पे रख देने हैं कब इस्टिश हुई है वो देना है इस प्रोजेक्ट में उनके अचीवमेंट्स क्या है मेन मेन इस एजेंसीज की वो यहाँ पे देनी है एंड उनके फ्यूचर मिशंस क्या क्या है आने वाले जैसे इसरो में गगनयान आने वाला है हमारा आदित्य एल टू नाम का मिशन है वो भी आने वाला है नासा का आरटीमिस है चाइना का भी मिशन है मार्स के ऊपर और विनस के ऊपर शायद तो इस तरीके के उनके फ्यूचर मिशन मेंशन करने हैं एंड द लास्ट वन आईएसएस मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की इंफॉर्मेशन ये प्रोजेक्ट में ये होने वाला है तो ये चार प्रोजेक्ट आप चार जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक एक प्रोजेक्ट असाइन होगा और उसमें आपको काम करना है लगभग पंद्रह दिन या महीना आप ले सकते हो और वो प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं तो इसमें आपका क्या होगा एक अच्छी तरीके से स्टडी होगा और एक दूसरे के प्रोजेक्ट हम शेयर करने वाले मीन्स तो अगर अर्नव ने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है तो वो ग्रुप में शेयर होगा तो रितिका भी उस प्रोजेक्ट को स्टडी कर पाएंगी और रितिका ने अगर कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है तो उस प्रोजेक्ट को भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा ताकि अर्नव भी उससे स्टडी कर पाएगा और फिर एक बार ये स्टडी या प्रोजेक्ट सबमिशन हुआ तो फिर आप को एज अ एस्ट्रोनॉमर एमेचर एस्ट्रोनॉमर हम सर्टिफिकेट देंगे तो ये प्रोजेक्ट के बारे में था आपको डिटेल जिसको जो प्रोजेक्ट मिला है उसको हम डिटेल में उसके बारे में गाइडेंस करेंगे ताकि वो उसे कंप्लीट कर पाए ठीक है तो आज के क्लास में इतना ही था आज के क्लास के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है कुछ पूछना है तो पूछिए एंड इसके बाद जो है हमारा जो क्लास है ये नेक्स्ट वीक में होगा डायरेक्टली उसमें हम ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं जैसा कि टेलीस्कोप टेलीस्कोप के टाइप्स क्या होते हैं टेलीस्कोप को हैंडल कैसे किया जाता है बिगिनर टेलीस्कोप क्या होता है फिर नाइट स्काई कैसा देखा जाता है वगैरह ये पूरा ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में आएगा आफ्टर द ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी द लास्ट पार्ट इज दैट द टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी कि जो एस्ट्रोनॉमी एंड एरोस्पेस में करंट टेक्नोलॉजी है मीन्स रॉकेट्स है सैटेलाइट्स है अलग अलग नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं फ्यूचर के तो वो लास्ट पार्ट में डिस्कस होने वाला है कम्प्लीटली एंड देन दिस क्रैश कोर्स विल कम कम्प्लीट होगा उसमें हम आपको सॉफ्टवेयर्स भी बताएंगे कौन से सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर सकते हो कौन सी टेक्नोलॉजी एज एमेचर एस्ट्राम और आपको यूज़ करनी चाहिए तो ये पूरा लास्ट सेक्शन में होगा तो लगभग ये कोर्स जो है फेबरुरी लास्ट वीक के पहले खत्म होने वाला है अपना तो अभी आपको कुछ इसके करंट जो आपने सोलर सिस्टम देखा फ्रॉम स्टार्ट टू टूडे इसमें कुछ क्वेश्चन है कुछ पूछना है कुछ आपको आपके आइडिया शेयर करने हैं ठीक है yes? मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं शायद कितना आपने अटेंड किया ये मुझे पता चले तो मार्स जो है मार्स के कितने सैटेलाइट्स है किसी को आइडिया है सर टू टू राइट कौन से एक नाम बता सकते हो आप यस सर फोबोस एंड सर डिमोस एंड फोबोस राइट फोबोस एंड डिमोस जुपिटर के कितने सैटेलाइट्स हैं सर जुपिटर के सैटेलाइट्स वेरी होते हैं लेकिन uh, जो मेन सैटेलाइट्स फोर मेन सैटेलाइट्स ओके हाँ फोर मेन सैटेलाइट्स एनिमेड यूरोपा कैलिस्टो एंड आयो ग्रेट हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिनको सैटेलाइट्स नहीं है इट्स मरकरी एंड वीनस वीनस एंड मरकरी राइट कोई इसका थोड़ा सा आइडिया है क्यों नहीं है उनको सैटेलाइट्स अह एस एज़ दोस प्लैनेट्स आर द नियरेस्ट प्लैनेट्स टू द सन राइट ये दो जो प्लानट है काफ़ी नज़दीक है सूरज के एज कम्पेयर टू अदर प्लानट्स तो सूरज की ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो छोटे से ऑब्जेक्ट सैटेलाइट जो होता है कंपेयर टू प्लानट छोटा ही होता है तो छोटा ऑब्जेक्ट को फॉर्म होने नहीं देती हुआ भी तो इस टाइडल ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की वजह से वो डिस्ट्रॉय होता है फॉर्म ही नहीं हो सकता इसी वजह से फ्रॉम द बिगिनिंग इन दो प्लानट्स को खुद के सैटेलाइट्स नेचुरली बन नहीं पाए ओके okay? देन स प्लैनेट्स जो है उनके नाम कोई बता सकता है क्या द लास्ट फोर प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न एंड नेपच्यून गुड 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 ओके ठीक है तो सोलर सिस्टम के बारे में काफी आपको नो अच्छी तरीके से मींस आइडिया है क्या है क्या नहीं आपको अगर और भी इंटरेस्ट है तो हमारे डिस्कशंस तो कंटिन्यू होते रहते हैं आप भी आपके क्वेश्चंस कुछ लिख के रखिए जाके आप फ्यूचर में पूछ सके सोलर सिस्टम के बारे में ओके सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर टॉपिक सोलर सिस्टम का जो टॉपिक था वो यहाँ पे कंक्लूड हुआ है जो लास्ट नोट यहाँ पे मैं आपको बताना बताना चाहता हूँ सोलर सिस्टम के बारे में वो ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानट्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अर्थ बिकॉज द अर्थ इज द ओ ओनली प्लानट वे आर द लाइफ फॉर्म लाइफ सर्वाइव एंड ग्रो द सेकेंड थिंग कि जो हमारा स्टार है सन उसका लगभग फिफ्टी परसेंट लाइफ जो है या फ्यूएल जो है वो ख़त्म हुआ है और भी फाइव बिलियन ईयर्स तक सोल सो, सन जो है वो रहेगा उसके बाद जो है उसका रेड जाइंट होगा या रेड स्टार होगा दैन इट्स एक्चुअली वो बड़ा होगा साइज में रेड जाइंट बनेगा और उसके इस पूरे वॉल्यूम में जो मर्क्यूरी एंड विनस समा जाएंगे मीन्स उनके उसके अंदर चले जाएंगे एंड जो अर्थ जो है वो काफी नज़दीक आएगा सन के सन के सरफेस के तो अर्थ के ऊपर लाइफ सरवाइव होना लगभग इम्पॉसिबल होगा वहाँ पे और फिर एक पीरियड के बाद सोलर सन जो है उसका कोर जो है कोलाइड होगा सेंटर में और एक प्लेनिट्री नेबुला बनेगा इसका मीन्स छोटा सा ब्लास्ट होता है सुपरनोवा नहीं होता बट छोटा ब्लास्ट हो जाता है और उसमें प्लानेट्री नेबुला बनता है एंड देन जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो वाइट ड्रॉप में हमारा सन कई सालों तक रहेगा और उसके बाद ये वाइट ड्रॉप भी जो है ये ब्लैक ड्रॉप मीन्स वॉट कि जो उसके ऊपर जो, जो फ्यूएल रहेगा जो छोटा सा मीन्स कई छोटा पार्ट में वो भी ख़त्म होता है और उसे ब्लैक ड्रॉप कहते हैं तो ये ब्लैक ड्रॉप भी बनेगा एंड देन ये जो सोलर सिस्टम हमने इतना अच्छी तरीके से स्टडी किया ये एक बड़े से नेबुला में कन्वर्ट होगा शायद ही कुछ प्लानट बचे और अगर तब तक हम रहे और हमारी टेक्नोलॉजी भी डेवलप हुई तो हम किसी और प्लानट के ऊपर जा सकते हैं तो ये सोलर सिस्टम है इसी तरीके की सोलर सिस्टम हम पूरे यूनिवर्स में पूरी गैलेक्सी में ढूंढ रहे हैं ताकि हमें पता चले कि कुछ लाइफ या कुछ ऐसे प्लैनेट्स है क्या इनहैबिटेटेड प्लैनेट्स है क्या जहाँ पे सॉरी हैबिटेटेड प्लैनेट्स है क्या जहाँ पे लाइफ सरवाइव हो सकती है ओके तो ये कुछ सोलर सिस्टम के बारे में था मीनवाइल कुछ फैक्ट्स मैं शेयर करूँगा सोलर सिस्टम के आपको भी अगर कहाँ से पता चले कुछ फैक्ट्स तो आप भी शेयर कीजिए

Thank you. Good night. Thank you, sir. Yes. Thank, Thank you, sir.